नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने सामाजिक संस्था को गरीबों व कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए 50 ऑक्सीजन सिलेंडर भेज किए हैं। आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक कार्यकर्ता भानु भदौरिया से निःशुल्क ले सकते हैं। श्री राजपूत कर्णी सेना मूल ने कोरोना काल में बढ़ती ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए, ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मौत ना हो इसको देखते हुए, राजपूत कर्णी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने सामाजिक कार्यकर्ता भानु भदौरिया को 50 ऑक्सीजन के सिलेंडर भेंट किए हैं, जो कि किसी भी कोरोना के मरीज को आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क सामाजिक कार्यकर्ता से संपर्क करके ले सकते हैं या 9174004526 पर संपर्क करके ऑक्सीजन के सिलेंडर ले सकते हैं। आज आपको कर्णी सेना ने सिलेंडर दिए हैं, किन उपयोग में आएंगे, किन लोगों के पास जाएंगे? आज पूरा विश्व इस कोरोना की महामारी की चपेट में आ चुका है, भारत में भी ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मूलतः देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल में बेड की कमी है, पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, उसको पेशेंट को व्यक्ति को इतनी घबराहट है कि उसके ऑक्सीजन की कमी के कारण कहीं उसकी जान ना चली जाए, और ऑक्सीजन के ना मिल पाने के कारण कई पेशेंटों की जान गई है। तो मैं कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव प्रताप सिंह जी चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस अभियान में उन्होंने हमें 50 सिलेंडर ऑक्सीजन के सिलेंडर आज दिए हैं, और जिस इन सिलेंडरों के माध्यम से जो परिवार, जो व्यक्ति, जो पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा, जब तक उसकी हॉस्पिटल पहुंचने की व्यवस्था नहीं हो रही है तब तक वो अपने घर पर इस ऑक्सीजन के माध्यम से अपना उपचार कराकर अपने परिवारजनों की जान बचा सकेगा। कौन कौन आपसे संपर्क कर सकते हैं सिलेंडर के लिए, किस तरह? जो भी व्यक्ति जिसकी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, डॉक्टर ने उसको ऑक्सीजन के लिए बोला है कि इसको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है, तो उसकी कोविड की रिपोर्ट, उसका आधार कार्ड और उसका डॉक्टर का पर्चा लेकर कोई भी व्यक्ति हम लोगों से संपर्क करेगा तो हम उसको ये निःशुल्क देंगे। अभी तक कितने लोगों को आप दे चुके हैं और आगे कितने देने? लगातार हम इस क्रम को कर रहे हैं, आज 8वां दिन है। हमने 100 सिलेंडर पहले बुलवाए थे, 100 ही सिलेंडर समाज में जा चुके हैं, किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी के पास पहुंच चुके और उनकी पेशेंटों की मदद हो रही है। अब ये सिलेंडर हो रहा है, समाज में कई लोग और ऐसे हैं जो इस प्रकार की हमारी अभी मदद कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आज जो बड़ा संकट है कि अस्पताल में लोगों को भर्ती ना कर पाना, और जो पेशेंट हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं उसमें से 50% पेशेंट वो हैं जिनको केवल ऑक्सीजन की कमी है। अगर वो ऑक्सीजन की उनको पूर्ति हो जाती है और घर में अपना उपचार कराते हैं डॉक्टर की गाइडलाइन के अनुसार, तो डॉक्टर और प्रशासन को भी हॉस्पिटल पे ज़्यादा बोझ नहीं आएगा और सभी लोगों का उपचार आसानी से हो सकेगा। आपका नाम रहे? भानु भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा उज्जैन। सबसे पहले मैं भानु भदौरिया जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने एक ऐसे संकट के समय में एक ऐसी पहल शुरू करी जिसकी बहुत ही आवश्यकता थी। हमारे यहाँ पे जो कोरोना काल चल रहा है, ये पूरी दुनिया में ही चल रहा है इसका संकट, और इसमें गैस सिलेंडर की वजह से कई जानें चली गई। तो ऐसे में आपने आगे आके और जो जन सहयोग करा, तो उसमें हम भी श्री राजपूत कर्णी सेना मूल की तरफ से हमने इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए सहयोग पूर्वक 50 सिलेंडर आपको सहयोग के उसमें दिए हैं। जी, आपका नाम? मैं श्री राजपूत कन्या सेना मूल प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान।